आजकल देखिए बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो उसका कारण क्या है कि आदमी बाज़ार से या चक्की से रेडीमेड आटा ले लेता है और उसको यूज़ करता है, तो वही पेट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो आप लोग क्या करिए कि देखिए, हम तो गेहूँ खरीद लेते हैं, मंगा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको धो डालते हैं। धोने में एकदम आसान है, बाल्टी में, टब में, किसी में, प्लास्टिक के आजकल इतने बर्तन होते हैं, रखिए और पानी भर के, और फिर उसका जो है बांस की डलिया बड़ी बड़ी मिलती हैं, खरीद लीजिए, उसमें छान लीजिए और फिर बिल्कुल ये साफ़ हो जाता है। बस थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है। तो देखिए, ये स्टील की हमारी ये किचन में जो यूज़ होती है, ये चलनी है, इसे छान लेते हैं, इस तरह छान के बस बेल के। और ये आटा जो होता है, ये बहुत, इससे बीमारियां नहीं होती और ये हमारा प्योर चीज़ है। तो वही हम सोच रहे थे, बेल रहे थे गेहूँ, तो वही हमने कहा कि बताएं आप लोग को भी कि गेहूँ, और अच्छे से अच्छा गेहूँ मिलता है, उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं रहती, एकदम साफ़ सुथरा था। एक बार देख लीजिए कि हाँ इसमें कीड़े मकोड़े ना हों। और देखिए, ये धो लिया है ना, तो एकदम कम मेहनत में हमारा एकदम बस तैयार हुआ जा रहा है। इसको चक्की पे पिसवा लेंगे सामने खड़े होके, और बस ये प्योर चीज़, प्योर आटा। बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों का ले लीजिए, फैक्ट्रियों का ले लीजिए, लेकिन वो बाद एकदम मैदे जैसा रहता है, वो देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन वही हमको नुकसान करता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत भारी मात्रा में पीसता है ना, तो इतना थोड़ी ना, फिर पैकिंग होती है, पैकिंग किसने की, कैसे हाथ से की। तो हमको क्या करना है कि भले थोड़ी मेहनत हो लेकिन शुद्ध चीज़ें खाना है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये गेहूं के आटे का वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वीडियो।